कभी कभी लाइफ में खुद को समझने और मन की शांति के लिए खुद के साथ समय बिताना और अपने आप को परमात्मा या रब के चरणों में अर्पित कर देना जरूरी होता है। ये कहानी है हमारे 1000 किलोमीटर रोड ट्रिप की। इस कहानी के चार मुख्य पात्र हैं, संदीप, मैं, कर्मावाली और क्वीन ऑफ द रोड। और आगे हमें हमारी इस जर्नी में कौन कौन और मिलता है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो होता कुछ इस तरह से है कि संदीप भाई और मेरा प्लान बनता है एक स्पिरिचुअल जर्नी करने का। इस जर्नी को करने के लिए हम दोनों काफी समय से प्लान कर रहे थे। जब आप इस तरह की जर्नी करते हैं तो आपके मन को शांति और इन जगहों की पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स भी आपको मिलती हैं। हमारी इस जर्नी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन संदीप भाई मेरे घर पहुंचे थे। हमने सबसे पहले दिन गुरुद्वारा श्री गुरु नानकपुरी टांडा साहिब जी के दर्शन किए थे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और उसके नेक्स्ट डे हमने शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा में मत्था टेका। फाइनली वो दिन आ गया था जब हम अपनी 1000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप वन वीक की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले थे। तो पहुंच चुके हम लोग उत्तम नगर और सामने हमारे गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी। करते हैं वहाँ पर दर्शन और आपको भी कराते हैं दर्शन गुरुद्वारा साहिब जी दे। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक मत्था साहिब जी मत्था टेकने के बाद हम लोग निकल चुके थे गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी की तरफ। यहाँ प्लानिंग करते हुए हमसे एक गलती हो गई थी। मेरे होम टाउन उदयपुर से गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी की दूरी 150 किलोमीटर है, लेकिन हमने सितारगंज टनकपुर हाईवे पकड़ लिया जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर बाइक राइड करनी पड़ी। और टनकपुर क्रॉस करने के बाद सूखी डांग से गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब जी का 50 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही खराब था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूखी डांग। यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो यहाँ से चंपावत 50 किलोमीटर है और लोहाघाट भी 50 से 60 किलोमीटर है और पिथौरागढ़ यहाँ से 126 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट रोड पकड़ते हैं तो ये जाता है रीठा साहिब की तरफ और यहाँ से रीठा साहिब 50 से 55 किलोमीटर है। पर ये रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का है और अच्छा रास्ता नहीं है, सिंगल लाइन है, तो यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। पर अगर हम लोहाघाट से जाते हैं तो हम लोग को 100-110 किलोमीटर पड़ेगा रीठा साहिब, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग जाएंगे इधर से।
आगे तो नहीं ऐसे पत्थर पड़े हुए? ना ना बस देखते हैं पत्थर में फिसले नहीं तो फिर आगे फिर है वो कैन हटा देना। रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है, अब तो इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं कि बाइक भी उछल रही है और सीट से मैं भी उछल जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग गड्ढे, अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो। हम लोग को लगा था 55 किलोमीटर लगभग हम लोग 4:30-5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 4:15 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ आधा रास्ता ही तय किया था क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। अभी हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग 5:30-6 बजे के अराउंड पीठा साहिब गुरुद्वारा पहुँचेंगे, तो पहले वहाँ से आगे निकलने का प्लान था, पर अगर अभी 5:30-6 बज जाएंगे रीठा साहिब पहुँचते पहुँचते ही तो हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि वहाँ पर हम लोग को दर्शन भी अच्छे से करने हैं और हम लोग को ऐसे कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है कि क्योंकि शाम को ये जंगल का एरिया है, शाम को जंगली जानवरों का डर भी हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं आगे कितने बजे तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर कैसा रहता है, आगे का रोड किस तरह से वो आगे पता करेंगे। अभी तो हम लोग को रीठा साहिब से आगे का रास्ते का भी आइडिया नहीं है वो किस तरह का रोड है। तो अभी हम लोगों ने लगभग 40-42 किलोमीटर की जर्नी कर ली है इस रोड पर और रीठा साहिब ये जो सामने आप माइलस्टोन देख रहे हैं ये रीठा साहिब गुरुद्वारा दिखा रहा है 13 किलोमीटर। तो चलो फिर चलते हैं, अब यहाँ से रोड थोड़ी ठीक ठाक आ रही है, देखते हैं अभी और कितना समय लगता है। लग रहा है आधे घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। हमें इन खराब रास्तों से गुजरते हुए कुछ नए मित्र मिल गए और अगर वो मित्र अपने ही शहर के हों तो और अच्छा लगता है, क्यों सही कह रहा हूँ ना। तो अभी हम लोग मिले हैं अपने शहर के ही कुछ लोगों से और शहर के थोड़े से दूर से पड़ोसियों से। तो ये भाई साहब अपना 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 नाम भाई साहब। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं देहरादून से हूँ और रुद्रपुर आए हुए। बलविंदर सिंह है, मैं बहड़ी से हूँ। मैं पुष्कर हूँ, बहड़ी से जी। तो अभी अच्छा लग रहा है, अपने शहर के लोग यहाँ पर मिल गए हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने इनके साथ चाय पी है और यहाँ से रीठा साहिब गुरुद्वारा रह गए सिर्फ 10 किलोमीटर। तो चलते हैं अभी, पहले सब साथ में ही जाएंगे अभी और पहुंचेंगे पहले रीठा साहिब गुरुद्वारा, करेंगे वहां पे दर्शन। अंधेरा होते होते हम लोग गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब भी पहुंच गए थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रीठा साहिब और जा रहे हैं अभी हम गुरुद्वारे की तरफ। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ चाहे फैमिली के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का 360 व्यू। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती है, नदी भी है, पहाड़ भी हैं और यहाँ पे वादियाँ बहुत ही सुंदर हैं। है अगर आप कहीं पर भी ये रीठा लगाते हैं या कहीं और से रीठा खाते हैं ये बहुत ही कड़वे होते हैं। हाँ। पर यहाँ गुरुद्वारा साहिब के बाबा जी की कृपा से बहुत ही मीठे रीठे हैं।